सलामकुम जी। तब सब खैरियत से हो गया। आज 10 मई 2024 है। आज की हमारी प्रेजेंटेशन काफ़ी डिटेल है, उसमें मैं टेक्सटाइल कंपनी के हवाले से जिक्र करूंगा। काफ़ी सारी न्यूज़ इस तरह हाइप में कि टेक्सटाइल पे कुछ बताया जाए, टेक्सटाइल पे कोई ऐसा शेयर हो बताया जाए, और जिसमें मैं टेक्सटाइल में काफ़ी सारी कंपनीज आती, लेकिन मैं इस कंपनी को कवर करूंगा जिसमें मेरा ख्याल है मैं इंडस्ट्रियल नॉलेज को ज़्यादा टच करूंगा। तो इससे होगा ये कि आपका आइडिया हो जाएगा टेक्सटाइल में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। प्रेजेंटेशन पे आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेंगे, इंशाल्लाह मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। बैकग्राउंड एजेंडा की बात करें, मैं एजेंडा वही स्ट्रीमलाइन एजेंडा है जिसमें बैकग्राउंड है, सेक्टर इन्फॉर्मेशन है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के हवाले से जिक्र होगा, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के हवाले से जिक्र, डिविडेंड के हवाले से होगा, फिर आखिरी में मेरी राय। बैकग्राउंड की बात करें, गदून टेक्सटाइल, मेरे नाम से पता चला टेक्सटाइल रिलेटेड काम करती। इनकी जो प्रिंसिपल एक्टिविटी जो इन्होंने कंपनी अकाउंट्स में डिस्क्लोज की वो बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी। इसे लिखते हैं कंपनी प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ यार्न एंड नेटेड पैडिंग प्रोडक्ट्स, डाइंग सर्विस एंड प्रोडक्शन सेल ऑफ मिल्क। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मुझे मार्केट में इसका कोई भी डेयरी प्रोडक्ट नजर नहीं आता। कॉम्पिटेटिव की बात करें तो टेक्सटाइल में बहुत ज़्यादा कंपनीज है, मैं इसलिए लिस्ट डाउन नहीं कर, बहुत ज़्यादा निशान मिल भी इसमें एक है तो सबका मैं नाम नहीं लिख सकता। तो मैंने एक हाई लेवल बताया, बहुत सारे कंपनी लोकेशन, इस कंपनी की लोकेशन सुपर हाईवे पे और सवाबी में, सवाबी मतलब खैबर पख्तूनख्वा के पी के में जो इस्लामाबाद से थोड़ा पहले, तो वहाँ पे हेड ऑफिस कराची में इसका, और ये इसके प्रोडक्ट स्पिनिंग, नई पेंडिंग बेडशीट, डाइंग सर्विसेज और फिर ये डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड। अच्छा, इस सेक्टर के हवाले से मसला, सेक्टर के हवाले से मेरे ख्याल में 2 दिन पहले इस पर एक आर्टिकल आया था कि टेक्सटाइल की कंपनियां फर्स्ट क्वार्टर में अपने बड़े लॉस कर रही हैं। क्यों कर रही है? सबसे पहले मैं टेक्सटाइल कंपनी का थोड़ा ओवरव्यू देना, टेक्सटाइल कंपनी क्या करती है। टेक्सटाइल कंपनी कपड़े बना के कपड़े बेचती है, धागा बना दी धागा बेचती है, अपना फाइनल प्रोडक्ट जो बेडशीट वगैरह वही बना के बेचती है। लेकिन सबसे ज्यादा इनको जो चैलेंज है ना इन कंपनीज को, ये लोग कंपनी का हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा गलत मॉडल है इस इन सेक्टर पे। मॉडल इस तरह से है कि ये लोग लोन लेती हैं और समझती है कि फौरन माल बिक जाएगा और लोन रिटर्न कर देंगी ईयर में, और ये हर साल चलता रहता है, जो कि बड़ा एक गलत से गलत इनके तरीकेकार है इस सेक्टर का। दुनिया भर में अगर आप देखें इस तरह से नहीं चलते, इस तरह से हर साल लोन लेके हर साल पे ऑफ करते हैं। मेरा नहीं ख्याल, मैंने आज तक देखा है कि दुनिया भर में दूसरी सेक्टर टेक्सटाइल कंपनी और टेक्सटाइल सेक्टर में। इसके बारे में 8 मई कोई आर्टिकल आया था जिसमें मैं लिंक कोशिश करूंगा डाल दूंगा इसका आर्टिकल, बल्कि आप खुद भी गूगल कर सकते हैं टेक्सटाइल न्यूज करके तो आपको नजर आ जाएगा, जिसमें बताया टेक्सटाइल कंपनी ने सफर के लॉसेस वगैरह पहले क्वार्टर में भी और एक्सपेक्टेशन ये कि आने वाले क्वार्टर में भी रहेगा। फिर इसके आगे आगे जाए, इसकी इस कंपनी की पर्टिकुलरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाए ना तो हम देखें पावर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बड़ी पुअर नजर आएगी 9 मंथ एंड पे। पिछले साल जैसे हाई लेवल पे देखे, पिछले साल 101 इसका वो था ईपीएस, इस बार 9.5 है। और क्यों क्यों पुअर है? सबसे पहली बात है जैसे पाकिस्तान, ये कंपनी को कॉस्ट क्या होती है, इस कंपनी की कॉस्ट होती है इनकी मशीन को चलाने का के लिए फ्यूल, जो गैस भी हो सकती है इलेक्ट्रिक भी हो सकती है, वो एक्सपेंसिव, उसकी प्राइस काफी मेजरली इंक्रीज हुई, ये बड़ा हिट है। दूसरा जो हिट इनकी कंपनी पे जो पड़ता है, ये लोग लोन लेके काम करती है जैसे मैंने बताया था, तो उस पर एक सूद इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा आपको नजर आती है पिछले साल से इस साल। और अगर देखा जाए 2023 का जो ईयर एंड था मार्च, उस वक्त इंटरेस्ट रेट अगर 12 मंथ पे देखा जाए तो तकरीबन 15% के करीब, 15-16% करीब था, फिर बढ़ बढ़ के ये 22% पहुंचा, अभी भी 22% है। एक्सपेक्टेशन है थोड़ा कम होगा लेकिन कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा होना। 12 मंथ, अभी 9 मंथ हो चुके हैं, इस पर नहीं पड़ा, आने वाले 2 महीने में नहीं खाली इंटरेस्ट रेट का कुछ, 2 महीने भी नहीं, 1 महीना टेक्निकल, जून का महीना है, मई का महीना आधा हो चुका। तो इसका प्रॉफिटेबिलिटी पुअर रही, ग्रॉस प्रॉफिट भी उसका पुअर रहा, ग्रॉस जीपी मार्जिन भी पुअर रहा। क्यों पुअर रहा इसकी डिटेल में बात करते हैं, लेकिन एक हाई लेवल बात करें, फ्यूल का प्राइस बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ी, इलेक्ट्रिसिटी प्राइस बढ़ी, कॉस्ट ऑफ रनिंग ऑपरेशन बढ़ा, प्लस एडमिन भी बढ़ा। एडमिन इसलिए बढ़ा क्योंकि महंगाई है जनरली, सबको सैलरीज वगैरह बढ़ानी पड़ती है, इनको हर चीज़ महंगी, तो इस हिसाब से इनकी कॉस्ट पे कंट्रोल नहीं कर पाए, या मैं ये बोल सकता हूँ कॉस्ट अगर इनकी बढ़ी तो इन्होंने सेल्स में कन्वर्ट नहीं किया उसको, वो कॉस्ट कस्टमर पर ट्रांसफर नहीं की, तो इसलिए कंपनी के रिजल्ट थोड़ा अच्छे नहीं रहे, थोड़े क्या सिग्निफिकेंटली पूरे रहे। अच्छा, डिटेल कमेंट्री इनकी अगर हम फर्स्ट क्वार्टर के अकाउंट्स देखें, इसमें इन्होंने डाली हुई है ये डिटेल कमेंट्री, क्यों क्यों कम हुआ, जैसे देख सकते हैं सेल्स 27% बढ़ी लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट 13% कम हुआ। फिर इसके बाद अगर देखें डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 4.5% बढ़ी, नॉट अ गुड साइन।
एडमिन कॉस्ट 13.5% और सो एंड सो फोर्थ। और उसकी डिटेल कमेंट्री लिखी हुई इन्होंने क्यों बढ़ा, क्योंकि शिपिंग फ्रेट और बता खुद इन्होंने लिखा हुआ है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ी, स्टैंडर्डाइज इन कैस टेरिफ और इलेक्ट्रिसिटी रेट एंड अदर कन्वर्जन कॉस्ट कंपेयर टू द सेम सेम लाइन लास्ट ईयर। तो ये सिनेरियो इनके डिटेल कमेंट्री लिखी आप पढ़ सकते हैं। इन शॉर्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी तो कंपनी के कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ गए। और एक चीज़ याद रखें, मैं ये चीज़ भूलना नहीं, मैं जो गैस प्राइस लास्ट ईयर काफ़ी बढ़ी और IMF का प्रेशर था गैस प्राइस जाए बढ़ा ही जाए क्योंकि बहुत कम है। अब बैलेंस शीट पे जाएं, बैलेंस शीट पे जैसे मैंने बताया कि ये कंपनी हर साल लोन लेती है, हर साल लोन पे ऑफ करती है जो, और इसका इसका नुकसान ये होता है कि इस तरह की कंपनी जब लोन पे ही चल रही है तो खुदा ना खास्ता अगर ये लोन की डिफॉल्ट करे तो बैंकिंग सेक्टर बैठ सकता है। वही 13 अरब का करंट ये करंट है, करंट पोर्शन ऑफ द लोन है 13 अरब का, जो कि बड़ा ही मेरे हिसाब से बड़े डेंजरस है। करंट एसेट देखें 27 अरब है और 26 अरब करंट लाइबिलिटीज है, लेकिन करंट एसेट में से इतना कैश इसके अवेलेबल नहीं है कि 13 अरब का लोन करंट लाइबिलिटी उतार दे, जो कि डेंजरस साइन है। मजीद लोन लेके लोन उतार रही है, पाकिस्तान वाला हिसाब किताब है, लोन लेके IMF कोई लोन रिटर्न कर रहा है। तो बैलेंस शीट मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी, जो कि सीधी बात है। चैलेंजेस क्या है उनके लिए, कि कौन सी ऐसी चीजें जो इनके लिए पोटेंशियल है, मतलब मौके क्या क्या है जो इनके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। चैलेंजेस की बात करें, जैसे मैंने जिक्र किया कि इनकी कॉस्ट ऑफ इंक्रीज हुई है, ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ा है, तो ये मेन चैलेंज तो है। पाकिस्तान में रनिंग कॉस्ट ऑपरेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई, जिसको मानना पड़ेगा। इन्फ्लेशन इंपैक्ट भी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को मैं इसलिए कंसिडर नहीं करूँगा क्योंकि तमाम सेक्टर्स पे ही बहुत मसला है, ठीक है, पॉलिसीज का गवर्नमेंट की से एक नहीं है, तो ये चैलेंज है। फिर इसके बाद अगर एक्सचेंजेस वॉलेटाइल है, मतलब एक्सचेंजेस वॉलेटाइल से मुराद ये है कि ये बाहर सेल करती है और बाहर से कपड़ा मंगाती भी है, माल भी मंगाती है, तो इसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट है। चैलेंज के अलावा अपॉर्चुनिटीज की बात करूँ तो अपॉर्चुनिटीज इसके ये कि ये लोग काम कर रहे हैं, ये लोग काम कर रहे हैं बेसिकली, सिर्फ ये लोग नहीं बल्कि तमाम सेक्टर वाइज है। अगर कंपनी की बात करूँ टेक्सटाइल में, हर हर कंपनी ये देख रही है, जो भी गैस ड्रिविन कंपनी या फ्यूल कंजप्शन ज्यादा है जो करती है और प्राइसेस बढ़ रहे हैं, हर कंपनी सोलर पे जा रही है या टेक्नोलॉजी को इस तरह यूज कर रही है कि इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, इसमें गैस से बचा जाए, गैस की प्राइस पे बचा जाए या इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस पे कटा जाए। जिसमें एक तो सोलर प्रोजेक्ट्स पे इनके पास, मेरे ख्याल में मैंने देखा था इन्हें अकाउंट्स में कहीं डिस्कस किया था कि सोलर प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर रही है, प्लस गैस वाली कंपनी से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करी ताकि गैस की प्राइस कॉन्स्टेंट रहे। जनरल पब्लिक के लिए डेफिनेटली बढ़ेगी गैस प्राइस, लेकिन एक जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो स्ट्रीम होगा, मतलब प्राइस पे ज़्यादा इंपैक्ट नहीं, इंपैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा जनरल प्राइस से, लेकिन एक स्टेबिलिटी होगी, गैस फराम होती रहेगी, रुकेगी नहीं। तो ये इसके कुछ कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी डेफिनेटली हैं, लेकिन इसके चैलेंजेस ज़्यादा हैं इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट से, मतलब ये इन आसान अल्फाजों में ये चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं लेकिन कि जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बहुत कम है, तो कंपनी थोड़ी ज़्यादा रिस्की है। अब इसके बाद इसके डिविडेंड की बात करें, डिविडेंड हिस्टोरिकली देता था, अगर आप देखें ना 2020 को मिस किया क्योंकि कोविड टाइम था, लेकिन आप देखा इसके बाद हिस्टोरिकली इसने रुक रुक के देता है, ऐसा नहीं किसी किसी साल डेफिनेटली मिस भी किया, 17, 18, 19, 20 में नहीं दिया, 21 में दिया, 22 में दिया, 23 में नहीं दिया। 23 में क्यों नहीं दिया, 23 में इसलिए नहीं दिया, 23 में इसके बहुत सारे मैसिव लॉसेस आए थे 23 में, तो इसलिए 23 में नहीं दिया। और अभी ये जो लास्ट क्वार्टर हुआ, जो कि 9 मंथ पे ये इनके अकाउंट्स थे जो मैं अभी दिखा रहा था, तो इस पे भी इन्होंने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया, क्योंकि इन्होंने ये देखा ना कि EPS तो इसका अभी 9 रुपये, पिछले तारीख 101 था, क्या डिविडेंड दी थी, किस मुंह से दी थी, तो इसे डिविडेंड नहीं दिया। और सीधी बात है कैश भी नहीं है, मजीद डिविडेंड देने के लिए लोन लेना पड़ेगा, तो मैं नहीं समझता टेक्सटाइल कंपनी में इन्वेस्ट करना डिविडेंड की आस में नहीं करना चाहिए। अच्छा करंट प्राइस क्या फोकस है, करंटली बेसिकली ये ट्रेड कर रहा है 186 पे। अब मेरी क्या व्यू है इसके हवाले से, मैं समझता हूँ करंटली ये ऐसी प्राइस पे है कि मार्केट जब बढ़ी तो ये नहीं बढ़ा, इरिस्पेक्टिव उसकी, मतलब कंपनी में थोड़ा दम, मैं समझता दम कम है, बुक वैल्यू डेफिनेटली इसकी ज़्यादा हो सकती है कंपनी की शेयर की, लेकिन इसमें पोटेंशियल कम, चैलेंजिंग रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम लगता है मुझे। अब इसमें करना क्या चाहिए, क्या होनी चाहिए इसकी प्राइस, हो सकता है इसकी प्राइस मार्केट जब बढ़ी ना रिसेंटली, आप देखें ना 2024 में मार्केट काफ़ी बढ़ी, 70 से 73 हज़ार पे टच कर चुका, 70 हज़ार क्रॉस कर चुकी है आज, तो हम देख सकते हैं, लेकिन इसकी प्राइस में हम देखें ऐसा कोई इंक्रीज नज़र नहीं आया पूरे, अगर यहाँ से देखा है 24 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप देखें गिरावट ही नज़र आई, बढ़ाई बढ़ा बढ़ने वाली साइड पर नहीं आया।
और इसमें वॉल्यूम भी कम रहता है, तो मैं समझता हूँ इट्स अ वेरी गुड थिंग, तो कि अपॉर्चुनिटी भी मैं इसको देखता हूँ इस तरह की कंपनियों को कि आप शॉर्ट टर्म में भी कमा सकते हैं, मार्केट बड़ी। तो ये टेक्सटाइल अभी तक अंडरमाइन था, मतलब अभी लोगों का फोकस ही नहीं किया शायद, तो इसलिए अंदर नीचे था। तो मैं समझता हूँ इस पर फोकस रखना चाहिए इसकी प्राइस पे, और पोटेंशली मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म पे इसमें एक नफा दे जाएगा, स्पेशली जब इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन का या इंटरेस्ट रेट गिरने का इंडिकेशन है। हो सकता है 1 जून में इंटरेस्ट रेट गिरने का अनाउंस कर दे, नेक्स्ट नेक्स्ट अनाउंसमेंट में 1% 1.5% हो सकता है कर दे। तो इस तरह की कंपनी में एक अननेसेसरी हाई पीरियड हो जाएगी, भाई इंटरेस्ट रेट कम हो गया, अब इसका फाइनेंस कॉस्ट भी कम होगा, कंपनी को फायदा होगा, जो कि ऐसा है नहीं, 1.5% से इस कंपनी का कुछ नहीं होता। तो ये थी प्राइस की बात। प्राइस पोटेंशली लॉन्गर टर्म पे मेरे हिसाब से ज़्यादा है, होनी चाहिए और है भी, और आई एक्सपेक्ट के ही बढ़ेगी। अगर मार्केट 73 पे 80 या 90 पे जाती है, 80,000 या 90,000 पे जाती है, आई एक्सपेक्ट के 250 के करीब का होना चाहिए शेयर। वॉल्यूम कम रहता है, कीप दिस इन माइंड, वॉल्यूम कम से मुराद यही है कि एग्जिट करना थोड़ा सा चैलेंज होगा। मेरा क्या व्यू इस कंपनी के हाल से, मेरा क्या व्यू, बेसिकली मेरे व्यू 4-5 चीज़ों में मुनसर है जो मैंने लिस्ट डाउन किया। सबसे पहले ये सेक्टर पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए ये सेक्टर अच्छा नहीं है। क्यों? एक तो पूरी दुनिया में हम कहीं भी जाएं, हमें मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान का कपड़ा बहुत ज़्यादा माना जाता है दुनिया भर में। उसमें आप देख सकते हैं कि चाइना और बांग्लादेश कपड़े की मार्केट में बहुत आगे निकल चुके हैं, और हम उनको कम्पीट नहीं कर सकते प्राइस में, खासतौर प्राइस में। इंटरनेशनली प्राइस का गेम होता है, प्राइस आपकी अच्छी नहीं है तो यू कैन, हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी एक्सपेंसिव है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सपेंसिव है, जैसे हम देख सकें, तो प्राइस कैसे हम मैं कम्पीट कर सकेंगे, एक चीज़। और आय और इस कंपनी का प्रोडक्ट और ये मेन कॉस्ट बोलेंगे वो गैस प्राइस होती है, गैस होती है, और गैस IMF का फोकस है गैस प्राइस को बढ़ाया जाए, गैस प्राइस बहुत कम है, तो फिर डेफिनेटली इस कंपनी इस सेक्टर पर डेफिनेटली हिट पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, इंटरनेशनल डिमांड फॉर पाकिस्तानी अपैरल इज गोइंग डाउन। ये जो सीधी बात है, जब प्राइस आपकी अच्छी नहीं तो आप कैसे मीट कर सकते हैं, सीधी बात है। या आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, कितना क्वालिटी कंपिटेटिव है, क्वालिटी अगर कंपिटेटिव लेकिन प्राइस इतनी ज़्यादा है तो फिर कोई क्यों लेगा, मुझे बताओ। तीसरी चीज़, शेयर में वॉल्यूम नहीं है तो हार्ड टू एग्जिट, मतलब आपको सेल करना होगा तो आपको टाइम लगेगा, अपनी प्राइस पर नहीं बिकेगा, तो कीप दिस इन माइंड। अच्छा, चौथी चीज़, जैसे मैंने बताया था पीछे पिछले स्लाइड्स में कि लोन पे चलती है कंपनी, ठीक है, कंपनी नहीं सेक्टर का सिस्टम ही ऐसा है जो कि बहुत गलत है मेरे हिसाब से, कि हर साल लोन देती है, हर साल लोन पे ऑफ करती है, जो कि बहुत ही अजीब सी बात है। खुदा ना खासा ने सेल्स नहीं हो, कैश नहीं बनाए, तो बैंकिंग इसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर भी बैठ जाएगा, क्योंकि अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोन है टेक्सटाइल सेक्टर के। अच्छा, अब मेरा क्या व्यू है, आखिरी में मेरा एक लाइन जो लिखी है कि मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में अभी फिलहाल इंटरेस्ट रेट कम होने की बात सुन रहा हूँ मैं, तो मैं मुझे लगता है इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इस पे एक अननेसेसरी टेक्सटाइल सेक्टर पे हाइप क्रिएट होगी, भाई टेक्सटाइल को ज़्यादा फायदा होगा तो प्राइस बढ़ेगी, तो आई एक्सपेक्ट कि 200-225 पे जा सकता है, तो कीप वॉचिंग, मैं इसको वॉच करूंगा, और मेरे पास अगर थोड़ा स्पेयर कैश है और मैं उसमें इन्वेस्ट कर दूंगा थोड़ा सा, जस्ट टू टेक अ रिस्क, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। तो जैसे मार्केट में इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ आएगी, कन्फर्म आएगी गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस होगा, तो अब देख लेना इसमें एक थोड़ा सा एक वेव आ सकता है अपसाइड का। तो दैट्स इट, आई थिंक यही मेरा व्यू इस कंपनी के हवाले से। कोई चीज़ मिस आउट करता आपसे मुझे बताएगा, मैं इंशाल्लाह कवर करूंगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम।